हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच एसोसिएशन ने बैठक कर अगली रणनीति पर मंथन किया और न सिर्फ ई टेंडरिंग बल्कि कई और मुद्दे भी इस बैठक में उठाए गए। मनरेगा का रेट बढ़ाया जाए, मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी बंद की जाए, ई टेंडरिंग खत्म की जाए, ग्राम पंचायत का दायरा बढ़ाया जाए। अगर 9 तारीख को हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हमारा मसला सॉर्ट आउट नहीं होता टेबल पर बैठ के, तो हम 11 मार्च को करनाल के अंदर सीएम हाउस का घेराव करेंगे लाखों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने साथ लेकर। मांग तो हमारी वही है जो संविधान के 73वें संशोधन 11वीं सूची में 29 अधिकार दिए गए ग्राम पंचायतों के, और राइट टू रिकॉल है। राइट टू रिकॉल MP पे लेके आए, MLA पे लेके आए और फिर सरपंच पे लागू हो, वो भी इलेक्टेड बॉडी है और हम भी इलेक्टेड बॉडी है। और भी काफ़ी मांगे हमारी, वो हमने मांग पत्र दिया हुआ है, थोड़ी बता दो। मानदेय की है, अपना एक ये है मनरेगा की है, मनरेगा की दिहाड़ी आज के टाइम 600 रुपये होनी चाहिए हमारे हिसाब से, 321 रुपये में आज के टाइम गुजारा नहीं है। एक मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी लगती है, अपने देश में गाँव के अंदर कई जगह नेटवर्क नहीं रहता, मजदूर लोग बेचारे अपना काम तो कर लेते हैं लेकिन हाजिरी के टाइम पे उनकी हाजिरी शो नहीं होती, तो उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। सरपंचों ने एक बार फिर मीटिंग में दोहराया कि अगर 9 मार्च की बैठक में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इतना ही नहीं, सरपंचों ने पूरे हरियाणा के गाँव में BJP और JJP के विधायकों और मंत्रियों की एंट्री बंद करने की चेतावनी भी दे डाली। सूर्या समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट।